ग्लूकोजामाइन सप्लीमेंट है, इसको कितनी डोज में लेना है और कब हम इसको ले सकते हैं, कौन कौन इसको ले सकता है। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि आपको प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, आपको डॉक्टर ने ग्लूकोजामाइन सप्लीमेंट लिखा है क्या, पहले उनको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और जैसे कहा जाता है कि जो ग्लूकोजामाइन है ये हमारे कार्टिलेज को मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छा है, और आप स्टार्टिंग से ही अगर इसका ध्यान रखेंगे कि कार्टिलेज आपको लग रहे हैं कि घुटने में टक टक की आवाज आने लगी है, कार्टिलेज से रिगार्डिंग कोई भी, जैसे डॉक्टर बोले कि दोनों हड्डियों के बीच में गैप कम हो रहा है, यानी कार्टिलेज आपका घिस गया है, तो आपको इमीडिएट ग्लूकोजामाइन जरूर लेना चाहिए ताकि वो फर्दर और डैमेज होने से बच जाए, नहीं तो बाद में इसी इश्यू की वजह से ही नी रिप्लेसमेंट की नौबत आगे जाके आती है। अब एक इसमें खाली प्रॉब्लम आती है कि जो ग्लूकोजामाइन है ये डायबिटिक जो पर्सन होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि ग्लूकोजामाइन नहीं लेना चाहिए, ये आपकी शुगर बढ़ा सकता है। मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ और जो मैं ग्लूकोजामाइन लेती हूँ तो मैं इस कॉम्बिनेशन में लेती हूँ और कि जब मैं डायबिटीज चेक करूँ तो मेरी डायबिटीज उसमें बढ़ के ना आए। वो कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगी कि आप जब भी ग्लूकोजामाइन लें तो पहली बात किसी भी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जिनके बाद जो हम इसे आफ्टर मील बोलते हैं, उसके साथ इंक्लूड करके ना लें अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, क्योंकि पहले जो आप खाना खाएंगे तो उस पर शुगर बनेगी बॉडी में और वो शुगर स्पाइक होगी, तो आप उसी टाइम में अगर ग्लूकोजामाइन भी लेंगे तो वो और स्पाइक हो जाएगा। परंतु अगर आप इसे मिड मील प्रोग्राम में ले लेंगे, जहां पर आप बोलते हैं कि जैसे हमारी फास्टिंग है, फास्टिंग के 2 घंटे बाद पीपी का टाइम हो गया, पीपी के बाद तो शुगर डाउन होगी, जब आप अगला मील खाएंगे तब वो स्पाइक करेगी, तो अगला मील और दूसरी पीपी की जो खत्म होने का टाइम है उसके बीच में अगर आप इसको ले लेंगे तो ये उतना इफेक्ट आपको डायबिटीज पे फिर नहीं करेगा, आपकी डायबिटीज को बढ़ने नहीं देगा। मैंने इसे प्रैक्टिकली टेस्ट किया है तो मैं आपको ये बता रही हूँ, बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डायबिटीज एक ऐसी चीज है कि ये डॉक्टर से ज्यादा आपको टेस्ट करके बताना पड़ेगा कि आपकी किस चीज से बढ़ती है, किस चीज से नहीं घटती है, क्योंकि डॉक्टर भी आपको हर जब डायबिटीज कंट्रोल पे आते हैं तो वो बोलते हैं कि जो आपको चार्ट बनाना है, क्या खाया था, फिर आफ्टर पीपी, फास्टिंग, फिर 3-3 घंटे की जो रीडिंग्स हैं, ये पूरे दिन भर में जिसकी शुगर बहुत ही ज्यादा बिगड़ी होती है उसको तो फिर आपको पूरे मीलों के चार्ट बनाने पड़ते हैं, और उनके माध्यम से आपको पता चलता है कि किससे हमें क्या प्रॉब्लम आ रही हो, कौन सी डोज को हमें कब और कैसे सेट करना है, तब आप एक बहुत ही बिगड़ी हुई डायबिटीज को भी कंट्रोल में ला पाते हैं। तो ग्लूकोजामाइन को भी आप प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी इससे कितनी बढ़ रही है, कब बढ़ रही है, जैसे मैंने आपको बताया मिड मील प्रोग्राम में डाल के देखिए, तो उसके साथ आपकी आप इसको लेंगे मिड मील में, आप माने इसको ले रहे हैं, आप अपना शुगर उस वक्त चेक कर लीजिए और 2 घंटे के बाद का चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका इससे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये आप प्रैक्टिकली जितना करेंगे तो डॉक्टर को भी आपके लिए डिसीजन लेने में आसानी होगी और आपको खुद के लिए भी अपने लिए फाइनल डिसीजन लेने में आसानी होगी। अब आगे जाके आता है कि हमारी बोन और मसल वाली जो कैटेगरी है उसको हम क्या करें, तो उसको आप एक साथ ले सकते हैं, जैसे जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, फ्लैक्स ऑयल, प्रोटीन पाउडर एंड ग्लूकोजामाइन, ये सब एक साथ लेने के अपने एक अलग बेनिफिट हैं। एक तो ये एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन में फायदा ही करने वाले हैं, जैसे कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए क्योंकि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है तो ऑयल चाहिए, तो फ्लैक्स ऑयल हो गया, तो ये आपस में एक दूसरे को एब्जॉर्ब कराने में मदद करेंगे। प्रोटीन पाउडर आपने साथ में ले लिया तो आपकी बोन और मसल की कैटेगरी में ही एक साथ आ गया, और उसी के साथ में जब आपने ग्लूकोजामाइन ले लिया तो प्रोटीन साथ में इंक्लूड होने की वजह से ग्लूकोजामाइन आपका शुगर स्पाइक से बचाने का, जो कि आप टेस्ट के माध्यम से आप खुद चेक करके देख सकते हैं कि मेरी कितनी शुगर बढ़ी कितनी नहीं बढ़ी, जिसको आप प्रैक्टिकली डिसाइड करते हुए देखिए और फिर डॉक्टर को बताते हुए आप अपने ग्लूकोजामाइन को कंटिन्यू करके देख सकते हैं।